यस दिस वीक यू आर हैविंग टेस्ट ऑफ सिविक्स, ठीक है, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म. सो टुडे यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज एंड आई विल गिव यू सम स्टेटमेंट्स, देन यू हैव टू फाइंड आंसर्स फॉर दैट. हिमांशु का मेल यहाँ पे आ गए, नोटबुक लेकर आओ फिर. एंड आई विल चेक इन द एंड दैट वेदर यू हैव राइट दीज क्वेश्चंस और नॉट, एंड साइड बाय साइड You will give me the answers. Yeah, ठीक है. Yes. First of all, like power sharing chapter, बेटा अभी तक मैंने आपको पूरा चैप्टर हमने पहले रीड किया और उसके बाद फिर मैंने आपको उस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स थी, ठीक है, वो हमने नोट डाउन की. ठीक है, अभी तक हम जो एमसीक्यूज कर रहे थे वो हम कर रहे थे सीक्वेंस में ऑर्डर. बट नाउ नाउ आई विल गिव सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें सबसे पहले टाइप लिखो सेट अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट्स. सेट अकॉर्डिंग, सेट का मतलब होता है उसको सीक्वेंस में करना, सीक्वेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजी का मतलब सिर्फ डेट्स ही नहीं होता, इवेंट्स भी हो सकता है. कौन सी इवेंट पहले हुई, कौन सी इवेंट बाद में हुई, हम ऐसे भी उसको कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको ना स्टेटमेंट्स दे रही हूँ. आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है वो कैसे हो सकते हैं बेटा, लाइक ऑन वन साइड स्टेटमेंट्स विल बी गिवन एंड ऑन द अनदर साइड देयर आंसर्स विल बी गिवन एंड उनको मैच किया होगा एंड आपके सामने फोर ऑप्शंस होंगे. थ्री में रॉन्ग मैचिंग होगी, एट में करेक्ट मैचिंग होगी. पहले आप उसको मैच करके अपना ग्रुप बनाओ और उन चारों में से जो ग्रुप आपने बनाया है राइट ऑर्डर में वो आपने टिक कर. ठीक है, लाइक प्रैक्टिस है नंबर वन, राइट डाउन इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका. देन अमेंडमेंट इन द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट कौन से ईयर्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं. अमेंडमेंट इन द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला एक्ट, ऐसा एक्ट जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था. ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला एक्ट. देन सिविल वॉर, सिविल वॉर. ठीक है, अब जब आपको एमसीक्यू आएगा ना तो इनके सामने आंसर जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो इनकरेक्ट ऑर्डर में होंगे और उनको मैच द ऑप्शंस में आपको दिया होगा. लाइक ए, ए का है टू, बी का है वन, सी का है जो भी है थ्री है. ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो आपको एमसीक्यू में होगा जैसे ही होगा. लेकिन अब आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, आप इसके सामने इवेंट लिखो. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका. याद रखो इन विच ईयर श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस, 1948. आंसर लिखो उसके सामने 1948. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट इन द बेल्जियम. आपको पता है जो अमेंडमेंट हुई थी 1960 से लेकर 70 तक टेंशन हुई थी, 1970 ऑनवर्ड्स हुआ था. तो आप यहाँ पे डेट लिखोगे 1970 ऑनवर्ड्स, 1970 ऑनवर्ड्स. देन नेक्स्ट इज, हाँ ये कौन सा एक्ट था, 1956 में ये एक्ट पास किया गया. नेक्स्ट इज सिविल वॉर 1980, श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी ड्यूरिंग 1980 एंड 1980 ऑनवर्ड्स. ठीक है, क्लियर लास्ट. ठीक है, अब आपने इसको ऑर्डर में करो. ऑर्डर में करोगे सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, और इस तरह से इट मीन्स आपने ग्रुपिंग जो है वो मैच करनी. लेकिन उसके लिए पहले आपको इवेंट्स लर्न होनी चाहिए तो ही आप मैच कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस ऑर्डर में. ऐसे ही फेडरलिज्म चैप्टर है, सेकेंड में देखो फेडरलिज्म चैप्टर सेकेंड 1980, अमेंडमेंट 1970 ऑनवर्ड्स. हाँ मेंशन होगा या करेक्ट ईयर भी दिया जा सकता है. ठीक है, करेक्ट ईयर भी हो सकता है, ग्रुपिंग होगी ईयर की क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर तो था नहीं, उसमें ग्रुप था.
मीन्स 1970 से लेकर जो भी पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फेडरलिज्म चैप्टर है जैसे। अब इसमें इवेंट्स जो हैं वो बहुत कम ऐसे मतलब ईयर हैं जिसमें आपको इवेंट्स होंगे, लेकिन इसमें अलग अलग तरह के ग्रुप हैं। लाइक सम ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी देयर एंड ऑन द यू कैन से राइट हैंड साइड लिस्ट विल बी देयर, तो यू हैव टू मैच द सब्जेक्ट्स। लाइक नंबर वन डिफेंस, नंबर टू एजुकेशन, डिफेंस एजुकेशन, नंबर थ्री साइबर लॉज, नंबर फोर पुलिस। अब ऑटोमेटिकली आपको पता है दूसरी तरफ लिस्ट होंगी, लिस्ट होंगी इनकरेक्ट ऑर्डर में होगी, आपको मैच करना। तो अब इनके सामने देखो कौन सी लिस्ट आती है, नंबर वन डिफेंस कौन सी लिस्ट में है, यूनियन। इसका मतलब क्या है, अभी तक आप बेटा सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न करते थे, नाउ इस तरह से आपके ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जो आपने एमसीक्यू फॉर्म में करने हैं, पर ये तभी आपको क्लियर होंगे ना जब आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में कौन से, कंकरेंट में कौन से, रेजिड्यू में। नंबर वन डिफेंस कौन से आएगा, क्योंकि डिफेंस पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, एजुकेशन दोनों के लिए जरूरी है, सेंटर के लिए भी जरूरी है, स्टेट के लिए भी जरूरी, सीबीएसई एंड पंजाब बोर्ड, तो कौन सी लिस्ट में, कंकरेंट। थर्ड इज साइबर लॉज, आपको पता है कि साइबर लॉ इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंपॉर्टेंट, मतलब जो पहले सिर्फ थ्री लिस्ट होती थी, बाद में जो सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको रेजिड्यूरी में रखा गया, तो ये किसमें आएगा, रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी। फोर्थ इज पुलिस, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस को सैलरी कहाँ से मिलती है, पंजाब गवर्नमेंट, तो ये किसका सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र पुलिस अलग है, गुजरात पुलिस अलग है, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, और स्टेट पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो पुलिस का मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी आ सकता, तो लॉ एंड ऑर्डर हर स्टेट की अपनी जो है वो लॉ बना सकती है, तो ये सिर्फ किसमें आएगा, स्टेट लिस्ट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एक आपको मैंने और क्वेश्चन करवाया, लाइक कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें आपने अलग अलग कंट्रीज की हुई है। अब मैं आपको एक तरफ कंट्रीज लिखवाऊंगी, आपने वो बताना है कि वो कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर के साथ मैच होती है कि कैसे, ठीक है। नंबर वन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम, इनको आपने दो ग्रुप में करना है, दो ग्रुप बनाओ, एक बनाओ कमिंग टुगेदर का, एक बनाओ होल्डिंग टुगेदर का, यानी कि आपके चार जो हैं वो आपके अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको अपने दो में ग्रुप करना है, कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर। हरी अब हो गया, यस, हाँ जी, कमिंग टुगेदर एंड वेरी गुड, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर, एंड होल्डिंग में स्पेन एंड बेल्जियम, और साथ में इंडिया भी हो सकता है। होल्डिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसकी जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड होल्डिंग का मतलब होता है जहां पे एक कंट्री अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए पार्ट्स को डिवाइड कर देती है। कमिंग टुगेदर इसलिए बनी थी ताकि छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर अपने आप को यूनाइटेड और इंटीग्रेट कर सके, ताकि वर्ल्ड में कोई उन पर अटैक ना कर सके, तो ये दोनों का मतलब है बनने की हिस्ट्री। कमिंग टुगेदर कैसे बनी, earlier these areas were smaller units, separate areas, they combined themselves to form unity and integrity, ताकि ब्रिटेन next time उनको कभी control ना कर पाए। लेकिन coming together में क्या होता है, all the states are given equal powers and distribution representation भी equal है, यानी कि अगर USA की जो parliament है उसमें अगर 50 states है ना USA में, तो 50 states के equal representation हो। Suppose अगर मैं ये कहती हूँ कि हर state से दो जो मेन एमपी होंगे, तो हर स्टेट के दो होंगे, लेकिन इंडिया में क्या है, अगर देखा जाए यूपी है तो उसमें मोर देन 90 है, पंजाब है तो 13 है, ठीक है। तो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैच नहीं करती, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सबकी जो है रिप्रेजेंटेशन सेम होगी एंड पावर्स भी सेम। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में कुछ एरियाज ऐसे यूटीज उनको स्टेट की पावर नहीं दी गई, लेकिन कमिंग टुगेदर में ऐसा यूटी का कोई कंसेप्ट ही नहीं, वहां पे सारी जो है वो इक्वालिटी है स्टेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो हो गया आपका मैचिंग ऐसे, मतलब काइंड ऑफ। सेकंड काइंड है assertion एंड रीजनिंग, assertion एंड रीजनिंग। इसके लिए पहले फोर स्टेटमेंट्स नोट करो,
फोर स्टेटमेंट्स नोट करो. नंबर वन, ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर. ए मीन्स assertion, आर मीन्स रीजनिंग. दो स्टेटमेंट होगी ना, एक होगी assertion, एक होगी रीजनिंग. बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कि जो आर है नीचे वाली स्टेटमेंट है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, सेकेंड क्या हो सकता है? बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. थर्ड क्या हो सकता है? बोथ, एक एक जो है वो ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा. एजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. फोर्थ में क्या आ सकता है? एजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. तो ये आपका कॉमन स्टेटमेंट आ गई. अब इसके बाद आपकी कितनी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन जो है, मे बी हिस्ट्री भी हो सकती है, सिविक्स भी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है. अब मैं आपको हिस्ट्री का एग्जाम्पल देती हूँ. सबसे पहले हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल सपोज लेते हैं. ठीक है, नंबर वन, सबसे पहले आप हिस्ट्री का लिखो, इटली वॉज यूनिफाइड. इटली वॉज यूनिफाइड एंड इट वॉज डिवाइडेड बिफोर यूनिफिकेशन इंटू सेवन स्टेट्स. यानी कि मैंने आपको दर्शन दिया कि जो इटली था, ठीक है, वो सेवन स्टेट्स में डिवाइडेड था और बाद में ये हो गया यूनिफाइड. एजर्शन, इटली वॉज यूनिफाइड बिफोर दिस यूनिफिकेशन इट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवन स्टेट्स. सेकेंड मैंने आपको रीजन दिया, इटली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो किसका माना जाता है? हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन मेज़िनी. राइट डाउन रीजन बताओ. मेज़िनी, कावूर, मेज़िनी एम ए डबल जेड आई एन आई, मेज़िनी, कावूर सी ए वी ओ यू आर, कावूर, गैरिबाल्डी जी ए डबल आर आई बी ए एल डी आई, गैरिबाल्डी. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिफिकेशन. ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ यस. सेकेंड रीजन क्या मैंने बताया? मेज़िनी, कावूर एंड गैरिबाल्डी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द इटालियन यूनिफिकेशन. एजर्शन मैंने बता दिया, रीजन बता दिया. इसका राइट आंसर क्या होगा चारों में से? बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. अब सेकेंड कैटेगरी का करो. सेकेंड कैटेगरी में क्या है? बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन. तो इसमें आप कर सकते हो कोई और स्टेटमेंट जो मैच ना करें आपस में. लाइक नंबर वन, ब्रिटेन हैज अ स्ट्रेंज केस फॉर बिकमिंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ब्रिटेन का केस जो है वो स्ट्रेंज केस माना जाता है जब ये यूके बना. ब्रिटेन हैज अ स्ट्रेंज केस फॉर बिकमिंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, अब रीजन देंगे इसका. रीजन, पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड वर नॉट परमिटेड. पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड वर नॉट परमिटेड और अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज. जब उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया, वो अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए फ्री नहीं थे. पीपल ऑफ स्कॉटलैंड वर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज, गेलिक लैंग्वेज. नाउ टेल मी, बोथ आर ट्रू. What reason is not the correct explanation? हमने बताना है strange case है, unification हुई, हमने उसको आगे बताना था ना कि कैसे. लेकिन इसमें बताया गया कि स्कॉटलैंड के लोगों को उनकी लैंग्वेज जो है वो बोले नहीं थी, तो ये रीजन थोड़ी है उसका यूनिफिकेशन का. तो रीजन जो है बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अब करो थर्ड कैटेगरी. थर्ड, assertion एंड रीजनिंग में आपने बताना है. लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका
गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एडॉप्टेड, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एडॉप्टेड एकोमोडेशन पाथ टू ट्रीट तमिल्स इक्वली. गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एडॉप्टेड एकोमोडेशन पाथ ट्रीट तमिल्स इक्वली. सेकेंड, पीपल ऑफ बेल्जियम वर गिवन थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट. पीपल ऑफ बेल्जियम वर गिवन भी कह सकते हो, ग्रांटेड भी कह सकते हो, गिवन थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट टू सॉल्व देयर कल्चरल इश्यूज. ना इसमें पता लग रहा है कि क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आपने बताना है. इन दोनों स्टेटमेंट में से विच इज ट्रू विच इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बी इज ट्रू. अपनी अपनी जगह जो है अगर देखा जाए तो ए गलत है, क्योंकि आपको पता लग गया श्रीलंका में अकोमोडेशन वर्ड कैसे आ गया. दूसरी तरफ वो ठीक है, बेल्जियम के लोगों को क्या दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब हमने फोर्थ के अकॉर्डिंग बताना है. फोर्थ में कोई भी स्टेटमेंट चेंज कर हो सकती है, लाइक इसमें अजर्शन राइट होगा. अजर्शन राइट कह सकता है, लाइक एग्जाम्पल लिखो, नंबर वन, इन इंडिया देयर इज अ थ्री टायर सिस्टम एडॉप्टेड आफ्टर 1990, यानी कि 1990 के बाद हमारी कंट्री में थ्री टायर सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रांगली जो है वो अडॉप्ट किया गया. इन इंडिया थ्री टायर का मतलब क्या होता है, तीन इसके लेवल हैं. तीन लेवल कौन से, विलेज के ऊपर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक समिति, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या है, जिला परिषद. पांच छह विलेज को मिलाकर ब्लॉक बनेगा तो वो बन गया ब्लॉक पंचायत. पांच छह ब्लॉक को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो वो बन गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. नंबर वन पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट, नंबर टू पे ब्लॉक, नंबर थ्री पे ग्राम पंचायत. इसको बोलते हैं थ्री टायर. कब अडॉप्ट किया, आफ्टर 1990, चेंजेस जब हुए थे हमारी कंट्री में. तो ये हो गया एजर्शन. रीजनिंग में बताओगे आप, ड्यू टू लोकल गवर्नमेंट विलेजर्स फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. ड्यू टू लोकल गवर्नमेंट मैनी विलेजर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, या कुछ भी लिख सकते हो, इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. इज ट्रू, बी इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट बनने से तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा जो है वो सॉल्व हुई. नाउ दे वर फ्री टू टेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली एट द लोकल लेवल. तो ये हो गए आपके एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस. नंबर वन मैंने आपको बताया, ऑर्डर में आ सकता है पूरे चैप्टर. अच्छा, आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर की इवेंट्स को अपने माइंड में रखो कि पहले कौन सी इवेंट हुई, उसके बाद. हिस्ट्री में तो आपको इवेंट्स याद होनी चाहिए, सिविक्स में जिस चैप्टर में इवेंट्स नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट ऑफ जो पार्ट क्या है, दोनों चैप्टर्स लो, डेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको अलग नोट करो डेट वाइज. तो इस तरह से आपके दो तीन एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैच करना होगा. लाइक आपको मैंने अभी बताया कि पहले श्रीलंका इंडिपेंडेंस हुई, और उसके बाद इन बिटवीन कंपैरिजन भी आ सकता है श्रीलंका और बेल्जियम की. इंपॉर्टेंट डेट्स मीन्स जहां पे भी चैप्टर में डेट्स आती हैं उन डेट्स को ऑर्डर में लिख लो कि ये सबसे पहले यहाँ पे हुआ, बेल्जियम में ये हुआ, मिक्स होके भी आ सकता. सेकंड, फेडरलिज्म का जो चैप्टर है इसमें इतनी इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन की डेट्स, लेकिन इसमें आपको क्या हो सकता है, लाइक जिसमें ग्रुपिंग दी है, ग्रुपिंग का मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन की कंट्रीज की लिस्ट है, या फिर यूनियन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपकी बैक एक्सरसाइज में भी कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं. लाइक ऐसे भी आ सकता है, सपोज मैच का मैच द ऑर्डर्स जो है उसमें हो सकता है. लाइक एक तरफ आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन. हॉरिजॉन्टल में आपने बताना है कि किस तरह से पावर्स को किस में डिवाइड किया जाता है. ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. दूसरा है वर्टिकल. वर्टिकल में क्या होता है, सेंटर, देन स्टेट, देन लोकल. थर्ड इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. फर्स्ट हो गया हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल का किससे मैच करोगे, ऑर्गन्स के साथ. वर्टिकल को किससे मैच करोगे, लेवल्स. थर्ड इज कम्युनिटी गवर्नमेंट.
कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, थ्री टायर होता है जिसमें सेंटर, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट एक अलग गवर्नमेंट है जिसमें बोथ कम्युनिटीज लाइक इन फ्रेंच एंड जर्मन और डच दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक देयर इश्यूज रिगार्डिंग देयर कल्चर एंड लैंग्वेज. फोर्थ इज लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट को किससे मैच कर सकते हो आप, इंडिया. जैसे इंडिया में है थ्री टायर. थ्री टायर कैसे है, हमारे हमारे जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल एंड अर्बन. रूरल में क्या आता है, रूरल में क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज. और अर्बन में क्या आता है, कॉरपोरेशन एंड कमेटी. पांच चीजें याद रख लो. ऊपर आएगा आपका हेडिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, रूरल एंड अर्बन. रूरल में एक तरफ आएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आएगा, ब्लॉक. ब्लॉक के नीचे क्या आएगा, ग्राम पंचायत. दूसरी तरफ अर्बन में क्या आएगा, अर्बन में दो आएंगे, पैरेलल आएंगे, कॉरपोरेशन एंड कमेटीज. कॉरपोरेशन होती है बिग सिटीज में, जलंधर, पटियाला, अमृतसर. एंड कमेटीज होती है स्मॉल सिटीज जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है. दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में काउंसलर होते हैं, लेकिन सिर्फ सिटी का फर्क है. आपने सिर्फ इतना बताना है, स्मॉल सिटीज कमेटीज, बिग सिटीज कॉरपोरेशन. अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, जलंधर के अंदर की जो प्रॉब्लम है, सीवरेज प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, दैट विल बी सॉल्व्ड बाय काउंसलर्स एंड मेयर. और सम इम्पॉर्टेंट जो होते हैं डिसीजंस हैं, दीज आर टेकन बाय डीसी. लेकिन डिस्ट्रिक्ट यानी कि जलंधर के बाहर जितने भी विलेजेस हैं उसमें मेयर का कंट्रोल नहीं है. उसमें किसका कंट्रोल है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. क्या होती है डीसी की फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है. और ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, लेकिन मेयर आईएएस ऑफिसर नहीं होते. मेयर को इलेक्ट करते हैं, लेकिन डीसी जो है उनकी पोस्ट जो है वो क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव. वो पीसीएस या आईएएस क्लियर किया होता है, ठीक है. हाँ जी. अब इसी तरह से हिस्ट्री में इवेंट्स को आप हिस्ट्री में कैसे कर सकते हो, लाइक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिखो, मैच द कॉलम्स भी आ सकता है, सीक्वेंस आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है. हाँ जी. से पहले स्टेट्स में इलेक्शन होते ही नहीं थे पंचायत. एक बार जो सरपंच बन जाते थे वो थ्रू आउट लाइफ सरपंच ही रहते. इट वॉज नॉट नेसेसरी कि विलेज एरियाज में इलेक्शन हो, उनकी फैमिली मेंबर. लेकिन 1990 के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन जो आपको चेंजेस नहीं करवाए कि चेंजेस कौन से हुए, उसके बाद कर दिया कि हर विलेज में स्टेट इलेक्शन कमीशन 5 साल के बाद सरपंच और पंच के इलेक्शन करवाना जरूरी है. और चेंजेस क्या आए थे, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू विमेन, 1/3. और क्या चेंजेस किए, सम सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी देयर टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट. लेकिन 1990 से पहले ऐसा नहीं, तब किसी स्टेट में इलेक्शन होते थे, किसी में नहीं होते. लेकिन बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया है. इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में 1990 के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, पहले नहीं थी, ठीक है. हाँ जी. हिस्ट्री के इवेंट्स लिखो. अब मैं आपको ना ग्रुपिंग में सपोज 5 और 6 जो है वो स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, आपने इसको बाद में ऑर्डर में करना है, ठीक है. नंबर 1, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यस, आप लिखोगे बाद में, पहले क्वेश्चन लिखो. हाँ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. पिक्चर्स प्रिंट बाय फ्रेडरिक सोरियो इन द ईयर. ईयर बताना मेन आपने, द ईयर इन विच फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर प्रिंट, prepare his 4 print. Year in which Frederick Soryo, short terms mein likho, the year in which Frederick Soryo prepare his 4 prints. Third, unification of Germany. Pehle Italy, Italy likho. Unification of Italy. Then Act of Union, Ireland. एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड, कौन से ईयर में आयरलैंड को ऐड किया गया. देन एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड, कौन से ईयर में स्कॉटलैंड को ऐड किया गया. एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड और एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड, कि स्कॉटलैंड को कौन से ईयर में ऐड किया गया, ब्रिटेन में, है ना. देन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कौन से ईयर में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कॉल की गई. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, F-R-A-N-K-F-U-R-T, Frankfurt Parliament.
फ्रैंकफर्ट सिटी का नेम था, और जर्मन यूनिफिकेशन के लिए एक सेंट पॉल बिल्डिंग थी चर्च, उसमें बुलाया गए थे। रिप्रेजेंटेटिव्स कितने थे? 831 रिप्रेजेंटेटिव्स। मोटे क्या था कि जर्मन के जो अलग अलग कन्फेडरेशन थी 39 एरियाज थे, उनको कंबाइन करके ठीक है किंग का जो है डिक्लेयर करना किंग का नेम, लेकिन किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में करो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, दोज हु हैव कंप्लीटेड, दोज हु हैव रिटन द इयर्स। एमसीक्यू फॉर्म में बच्चे आपको करेक्ट मैच करके ना अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे, तीन में इनकरेक्ट मैच होगा, एक में करेक्ट मैच होगा, ग्रुपिंग भी हो सकती है लाइक A1 B2 C4, ऐसे अलग अलग ग्रुपिंग होगी आप। इट मींस अब आपके जो एमसीक्यू, वैसे ट्राई वो तो मैंने लिखवा दिया ना आपको प्रैक्टिस के लिए, तो ईयर सेम थोड़ी होगा। वैसे मैंने लिखवा दिया कि ईयर्स लिखो, तो जरूरी नहीं है कि ईयर सेम होंगे, क्योंकि ऑप्शंस आपको दिए होंगे ना A B C D। हाँ वो मैं समझ गई, 48 है तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी सेम है। हाँ तो दोनों दोनों ईयर लिख दो। हाँ एक ही लिख, डन। हाँ जी, नंबर वन सेम है, ईयर 1848, फ्रेडरिक सॉरियो प्रिपेयर्ड 1848 एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कॉल्ड इन 1848। हाँ जी, यही रीजन है ना कि अभी जर्मन बना नहीं था, तो इसका मतलब फ्रेडरिक सॉरियो की पेंटिंग में 1848 में जर्मनी फ्रांस से पीछे था। ठीक है, फ्रांस बिल्कुल स्टैचू के पास था, इट मींस वहां पे आपने पढ़ा है रिवोल्ट ऑफ 1848 व्हेन फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, जब लुइस फिलिप कंट्री छोड़कर चले गए थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आपका आयरलैंड का होगा 1701। किसका? नहीं, 1700 एक्ट ऑफ यूनियन का है आपका 1701। लेट मी कंफर्म, 17 है बच्चे उसका, सॉरी 1707 एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का पूछा, आयरलैंड 1801, स्कॉटलैंड का 1707, स्कॉटलैंड 1707, आयरलैंड 1801, स्कॉटलैंड को पहले किया, आयरलैंड को बाद में किया। हाँ हाँ जी, इटालियन यूनिफिकेशन कब हुई थी? इटालियन, हाँ इटालियन पहले हुई थी, जर्मन बाद में हुई। हाँ जी, इटालियन 1861, जर्मन यूनिफिकेशन 1871। हमेशा याद रखो इटली पहले, इटली इटालियन यूनिफिकेशन पहले हुई। अच्छा ये याद रखो, लिसन, आपकी बुक में जर्मन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन पहले है और इटालियन का क्वेश्चन बाद में है, तो जर्मन यूनिफिकेशन हुई 1871, इटालियन हुई 1861, लेकिन ईयर याद रखो कि 1861 में इटली की यूनिफिकेशन पहले हुई, ऐसे याद रखो। बुक में आपको एक्चुअली क्यों कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपकी बुक में जर्मन की यूनिफिकेशन पहले दी हुई है, इटली की बाद में दी हुई है, क्वेश्चन आपको बाद में दिया हुआ है, ये ईयर याद रखो। ओके, इन विच ईयर काइजर विलियम बिकेम द किंग ऑफ जर्मनी? सेम ही आएगा ईयर यूनिफिकेशन का, 1871। इन विच ईयर विक्टर इमैनुअल बिकेम द किंग?
ऑफ इटली 1861, जो यूनिफिकेशन का ईयर है वही किंग का कॉरोनेशन का ईयर है। कॉरोनेशन का मतलब क्या होता है कि जब किंग बनते थे तो प्रॉपर फंक्शन होता था जिसमें उनको प्रॉपर उनका जो है क्राउन पहनाया जाता था, दैट इज कॉल्ड कॉरोनेशन सेरेमनी। क्लियर? तो बच्चे आपके एमसीक्यू सिंपल एमसीक्यू नहीं है, तो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।